हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है आईपीओ की। अपकमिंग आईपीओ है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का। इस वीडियो में आप जानेंगे क्या हैं डेट्स, क्या करती है इरकॉन इंटरनेशनल, कैसे हैं इसके फाइनेंशियल्स, आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या रहेगा जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम, और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, जुड़े रहे इस वीडियो के साथ, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले, और ये करना बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेट्स की। पहली जो डेट है कि आईपीओ ओपन कब होगा, 17 सितंबर को आईपीओ आएगा। आईपीओ क्लोज कब हो जाएगा, 19 सितंबर को। तो 3 दिन तक ओपन रहेगा, 17, 18 एंड 19। उन 3 दिनों में आपको अप्लाई करना है थ्रू योर डीमैट अकाउंट्स। अब बढ़ते हैं फेस वैल्यू की तरफ। ये रहेगी 10 रुपीज़ पर शेयर। प्राइस बैंड है इसका 470 से 475, और रिटेल कस्टमर्स के लिए एक डिस्काउंट ऑफर है, 10 रुपये का डिस्काउंट अप्रॉक्सीमेट आपको मिलेगा जब आप अप्लाई करेंगे। साथ ही मिनिमम बिड साइज रहेगा 30 रुपये शेयर। अब जानते हैं आईपीओ अगर आपको मिलता है या नहीं मिलता है तो वो डेट्स क्या रहेंगी, कब आपको पता चलेगा कि आपको अलॉटमेंट मिली है। तो अलॉटमेंट की डेट है 24 सितंबर, जिस दिन होगी अलॉटमेंट, और अगर आपको शेयर्स नहीं मिले होंगे तो रिफ़ंड आएगा 25 सितंबर को। क्रेडिट होंगे आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स अगर आपको अलॉट होंगे 26 सितंबर को, और लिस्टिंग होगी स्टॉक एक्सचेंज पे 28 सितंबर 2018 को। आपको इस आईपीओ को थोड़ा वॉच करना है, 17-18 को थोड़ा वॉच करिएगा कि क्या सब्सक्रिप्शन रही है, क्या ये ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको देखने होते हैं। सब्सक्रिप्शन का स्टेटस आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। और चलिए अब हम बढ़ते हैं, जानते हैं इरकॉन इंटरनेशनल क्या करती है, क्या है ये कंपनी। इरकॉन इंटरनेशनल है दिल्ली बेस्ड कॉमन कंपनी, और ये है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1976 को। मेजर प्रोजेक्ट्स जो इसके हैं वो हैं रेलवेज के, हाईवेज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, टनल, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जिसमें हैंगर्स, रनवेज हैं, ईएचवी के लिए सब स्टेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्क्स, और डेवलपमेंट भी करती है ये इंडस्ट्रियल एरियाज का। तो इस तरह के ये काम करती है, और इसके जो मेन क्लाइंट्स हैं वो हैं रेलवे, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी। अब बात करते हैं इसका रजिस्टर्ड ऑफिस। इसका एड्रेस मैंने यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डाल दिया है, प्लॉट नंबर C4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत, न्यू दिल्ली में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। साथ ही यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिए हैं, ईमेल भी है, और वेबसाइट भी यहाँ पे मैंने डाल दी है। अगर आप विजिट करना चाहते हैं इनकी वेबसाइट तो आप कर लीजिएगा। अब जानते हैं आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, लिस्टिंग गेन लेना स्टॉक एक्सचेंज पे। फाइनेंशियल्स की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो आप स्क्रीन पे फाइनेंशियल्स देख पा रहे हैं ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स। यहाँ पे फाइनेंशियल है 2015, 16, 17 और 18। फाइनेंशियल्स थोड़े से उलझन वाले हैं क्योंकि कहीं पर बढ़ रहे हैं, कहीं पर घट रहे हैं। रेवेन्यू आप देख सकते हैं, तो 15 में जो रेवेन्यू है वो ठीक ठाक है, 16 में थोड़ा कम हो गया, 17 में फिर इंक्रीज हो गया, और अभी मार्च 3 के जो ये फाइनेंशियल हैं ये हैं प्रोजेक्टेड्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहीं पर घट रहा है, कहीं पर बढ़ रहा है। तो फाइनेंशियल्स तो थोड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं इसके। चले बढ़ते हैं अगली इन्फॉर्मेशंस की तरफ, जो रहेंगी EPS और PE रेशो। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर है इसका 38.82 रुपीज़। PE रेशो है 12.10 से 12.23। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 10.08%, और नेट एसेट वैल्यू काफ़ी अच्छी है, 385.08 रुपीज़ पर शेयर। तो ये हैं इनके पूरे फाइनेंशियल्स, आप देख सकते हैं, आप अपने आप रिव्यू कर सकते हैं कि कैसा ये आईपीओ होगा। अब हम बढ़ते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। लिस्टिंग गेन मेरे हिसाब से पॉसिबल है, तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लिस्टिंग गेन मिलेगा, आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जीएमपी की अगर मैं बात करूं तो इसका जीएमपी है 57 to 62 रुपीज़, जो अभी राइट नाउ सिनेरियो के हिसाब से हमें पता चल रहा है, और जीएमपी डेली होता रहता है फ्लक्चुएट, तो आप चाहें तो खुद भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। साथ ही मैं आपको ये बोलूँगी कि मैंने ये रिव्यू पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई है, आप अच्छे से रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिएगा और फिर इस आईपीओ में अप्लाई करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा और भी लोगों के साथ कि वो भी अवेयर हो सके कि आईपीओ आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन। बाय बाय।